हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लाइफ एंड फैक्ट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूजा करते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें धन की कभी भी कमी नहीं होगी। कभी भी भगवान को या फिर अपने से बड़े को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी के दाएं पैर को दाएं हाथ से बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। जप करते समय जीभ या होंठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना प्राप्त होता है। माला जप करते समय दाएं हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल प्राप्ति होती है। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और शाम के समय तुलसी तोड़ना निषिद्ध माना जाता है। दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफ़ेद तिल का नहीं। शनिवार को पीपल में जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करना श्रेष्ठ माना जाता है। कुमड़ा, मतीरा, नारियल आदि को स्त्रियां न तोड़ें और न ही चाकू से काटें, यह उत्तम नहीं माना गया है। भोजन प्रसाद को कभी लांघना नहीं चाहिए। किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा दाएं हाथ से देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा, व्रत तथा श्राद्ध के दिन दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए। बिना जनेऊ पहने जो भी पूजा पाठ किया जाता है वह निष्फल माना जाता है। भगवान शिव जी को बेलपत्र, विष्णु जी को तुलसी, श्री गणेश जी को दुर्वा, श्री माता लक्ष्मी जी को कमल प्रिय है। भगवान शिव जी को शिवरात्रि के अलावा किसी दिन कुमकुम नहीं चढ़ना चाहिए। शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, देवी जी को आंख तथा मदार और सूर्य भगवान को तगर के फूल नहीं चढ़ाए जाते। घी का दीपक अपने बाईं ओर तथा देवता को दाएं ओर रखें एवं चावल पर दीपक रखकर प्रज्वलित करें। पूजा करने वाले माथे पर तिलक लगाकर ही पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं होता, 10 रात्रि तक तुलसी पत्र बासी नहीं होते। पूजा करते समय पत्नी को दाएं भाग में बिठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें और अपनी बाईं ओर घंटा, धूप तथा दाएं ओर शंख, जल पात्र एवं पूजन सामग्री रखें। देखने के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार की अधिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल लाइफ एंड फैक्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।